दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक मिनट के अंदर चाय बनाने का ऐसा अनोखा तरीका लेकर के आ गई हूँ जिससे आपको कोई कितने बार भी चाय बनाने को कहे आप मना नहीं करेंगे। इंडिया में तो चाय लवर्स बहुत ही ज़्यादा हैं और सभी के घरों में बार बार ये आवाज़ आती ही रहती है किसी न किसी के मुँह से कि एक कप चाय देना, और बार बार चाय बनाते बनाते हम भी इरिटेट हो जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ चाय का ऐसा पाउडर शेयर कर रही हूँ जिससे आपकी चाय बनेगी एक मिनट के अंदर ही। बस गर्म पानी में एक चम्मच इसे मिला दें, आपकी चाय तैयार है, ना पकाना ना छानना। तो आप होटल में रुके हों या ट्रेन में सफ़र कर रहे हों, कहीं पर भी इंस्टेंटली इस चाय का आप मज़ा ले सकते हैं। वीडियो में काफ़ी सारे मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं जिसे आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपकी चाय बनेगी बिल्कुल परफेक्ट। तो चलिए दोस्तों, इस अनोखी सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसके लिए आपको एक मिक्सी का जार ले लेना है। जार में हम सबसे पहले डालेंगे एक कप चाय पत्ती, जो सी भी चाय पत्ती आपके पास हो यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय पत्ती को मिक्सी जार में डाल दिया है। अब साथ ही में मैंने यहाँ पे इलायची ले ली है, हरी इलायची। इससे बहुत ही बढ़िया सी चाय में खुशबू आती है। आप यहाँ पे इलायची का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसे आप स्किप करके भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, मुझे अच्छी लगती है तो मैंने यहाँ पे यूज़ की है। इलायची की क्वांटिटी यहाँ पे 19 या 20 होगी। तो इसे भी जार में डाल देंगे और अब क्या करना है, आपको अच्छे से दोनों चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है जितना पॉसिबल हो सके। बिल्कुल बारीक सा आप इसे पीस लें। तो देख सकते हैं मैंने इसे बिल्कुल बारीक पीस लिया है, बिल्कुल बारीक, जितना आपसे हो सके उतना बारीक कर लें। यहाँ पे जो छिलके हैं इलायची के, ये देखिए हल्के हल्के से विजिबल हैं क्योंकि ये जल्दी से नहीं पीसते हैं, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे पीस ली हैं। खुशबू तो इतनी अच्छी वाली आ रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतनी ज़्यादा खुशबूदार चाय बनने वाली है आपकी। दोनों ही चीज़ें पीस चुकी हैं, अब इसके ऊपर हम एक कप ही चीनी डाल देंगे। चीनी की क्वांटिटी मैंने यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल सी रखी है, ना तो बहुत ज़्यादा है ना तो बहुत ही कम है, आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। चीनी को भी अब इसके साथ ही फिर से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे चीनी के साथ फिर से मैंने इन्हें अच्छे से पीस लिया है और ये और भी ज़्यादा फाइन हो गया है दोबारा पीसने से। ये देखिए बिल्कुल फाइन सा दिख रहा होगा, बट इसमें कुछ मोटे मोटे से पार्ट्स होंगे, इसीलिए हम इसे छान कर लेंगे। तो चलिए एक छन्नी की सहायता से हम इसे बिल्कुल अच्छे से छान लेते हैं। यहाँ पे मैं इलायची फ्लेवर वाली चाय बना रही हूँ इसलिए मैंने इलायची ऐड की है। आप यहाँ पे अदरक वाली चाय बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सौंठ का पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए एक बारीक छन्नी की सहायता से हम इस पाउडर को छान लेते हैं। जब तक मैं इसे छान रही हूँ तब तक आप ये बताएं कि आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, किस सिटी किस शहर से देख रहे हैं। मुझे अपने शहर का नाम लिख करके ज़रूर से बताएं ताकि मुझे पता चल पाए कि मेरे व्यूवर्स कहाँ कहाँ से हैं। और यहाँ पे मैंने इसे छान लिया, आप देख सकते हैं, और थोड़े से मोटे मोटे से पीसेस जो निकले हैं इन्हें फेंकना नहीं है, आप एक जगह पे इन्हें स्टोर करते जाएं। और इसी तरह से मैंने पूरे पाउडर को छान लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइन सा पाउडर यहाँ पे हमने अलग कर लिया है, और जो मोटे मोटे से यहाँ पे पार्टिकल्स हमने इकट्ठा किए हैं ना, उन्हें आपको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल है। इससे बहुत ही मस्त वाली चाय आप बना करके एंजॉय कर सकते हैं। फाइन पाउडर यहाँ पे तैयार है बट रेसिपी अभी कंप्लीट नहीं हुई है तो वीडियो को वॉच करते रहें। अब मैंने इस पाउडर को एक दूसरे बोल में शिफ्ट कर लिया है क्योंकि प्लेट वहाँ पे छोटी पड़ रही थी। तो यहाँ पे जो पाउडर हमने तैयार किया है ये बिल्कुल तैयार है आपकी प्लेन चाय बनाने के लिए, बट यहाँ पे हम दूध वाली चाय बनाएंगे तो हम इसमें ऐड करेंगे एक कप मिल्क पाउडर। यहाँ पे किसी भी ब्रांड का आप मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से चम्मच की सहायता से मिला लेंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको इन्हें मिक्स करना है। इसमें आप मिल्क पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं, मतलब कि आधा कप एक्स्ट्रा मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी चाय आपकी काफ़ी अच्छी बनेगी। बट यहाँ पे जो मेजरमेंट मैंने बताया है आपको बिल्कुल परफेक्ट चाय के लिए बताया है। एक्स्ट्रा दूध उनके लिए जो सिर्फ दूध वाली चाय पीते हैं, थोड़ा बहुत भी पानी ऐड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सभी चीज़ों को मिला लिया है और यहाँ पे हमारा अच्छे से स्मूथ सा चाय का पाउडर बनकर के तैयार हो चुका है, जिसे आप किसी एयर टाइट जार या डब्बे में भर करके महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी ये, और इसे फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे ही आप रख सकते हैं। तो चलिए इसकी फटाफट से चाय बना लेते हैं। तो एक कप में डालेंगे एक चम्मच सबसे पहले ये पाउडर और इसमें डाल देंगे खौलता हुआ गर्म पानी।
और अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे आपकी बहुत ही कड़क, बहुत ही टेस्टी यम्मी सी चाय बन करके तैयार है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, छानने की ज़रूरत नहीं है। अगर लगे कि थोड़े बहुत से यहाँ पे चाय पत्ती के कण ऊपर में थोड़े से विजिबल हैं, तैर रहे हैं, तो आप इसे छान भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हमारी चाय बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब दिन में एक कप चाय बनानी हो या 10 कप चाय बनानी हो, मेहमान आ जाए बहुत सारे या फिर सफ़र पे जाना हो, अब आप चाय इंस्टेंटली कभी भी कहीं भी 1 मिनट में बना सकते हैं, वो भी बिना गैस जलाए। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाली हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उसका मजा ले पाए। सो बाय गाइस, सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच।